नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अब बुढ़ापा लाचार नहीं। हेलो माँ, कैसी है आप? सुनील ने फोन पर पूछा। तो कमला जी, जो बहुत समय से अपने बेटे की आवाज तक सुनने को तरस गई थी, मारे खुशी के कपकपाती आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत समय बाद फोन किया। आज माँ की याद कैसे आ गई? तभी सुनील ने कहा, वो माँ, बात ऐसी है कि काम की व्यस्तता के कारण मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता, और पिताजी के जाने के बाद आप भी तो बहुत अकेली हो गई होंगी। इसलिए आपकी बहू और मैं चाहते थे कि अब आप हमारे साथ ही रहें। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रह रही कमला जी की आंखें भर आई। वर्षों बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में रहता है। बेटे के मोह में बंधी कमला जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर सुनील ने कहा, माँ, मैं एक सप्ताह बाद का टिकट करा देता हूँ, आप आ जाइएगा। अच्छा माँ, एक काम कीजिएगा, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और अचार की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। इससे पहले कि कमला जी कोई कारण पूछती, उनके बेटे सुनील ने कहा, माँ, बात ऐसी है कि मैंने यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीदा है और उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर कमला जी बोली, बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ, उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि तुम्हारा लोन उतर जाए, लेकिन फैक्ट्री को मैं नहीं बेच सकती। अचार की फैक्ट्री से बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ है। फैक्ट्री न बेचने की बात सुनकर सुनील का मुंह बन गया, लेकिन फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। ऐसा कहकर सुनील ने फोन रख दिया। आज पूरे 6 महीने के बाद कमला जी के बेटे सुनील ने उन्हें फोन किया था। काफी समय से कमला जी गुमसुम सी रहती थी, लेकिन आज जब उनके बेटे का फोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन फोन उठाते ही उनके बेटे ने जो कहा वो सब सुनकर वो फिर से उदास हो गई। अभी तक जिस चेहरे पर अपने बेटे के फोन आने की खुशी थी, वो खुशी एकाएक कहीं गायब हो गई, सब कुछ शून्य हो गया। परंतु उनके मन को ये तसल्ली हुई कि अब उन्हें अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहने को मिलेगा, जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। इसलिए अपने बेटे के कहने पर वे अपना खुद का मकान बेचने को राजी हो गई। देखा जाए तो कमला जी गांव के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। वर्षों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय कमला जी के पास कुछ जमीनें थी जो उनके ससुर जी ने उनके नाम पर कर दी थी, जिनके सहारे उनका अच्छा गुजारा होने लगा था। परंतु अपने बेटे सुनील की उच्च शिक्षा का खर्च निकालने के लिए धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीनें बेच दी। लेकिन फिर घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और इसके लिए उन्होंने अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अचार के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 कमरों की एक फैक्ट्री भी डाल दी। उनकी फैक्ट्री में गांव की बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ था। वे औरतें भी कुछ पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन पाई हैं। कमला जी का बेटा दिल्ली में रहता है, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। दिल्ली में ही रहते हुए उसने एक मॉडर्न लड़की से भी शादी कर ली। उनका 7 साल का एक बेटा भी है। अंतिम बार सुनील अपनी माँ के पास उस समय आया था जब उसने नई नई शादी की थी। परंतु उसकी मॉडर्न पत्नी शिखा को गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए 2 ही दिनों में वे लोग चलते बने और उसके बाद कभी गांव नहीं आए। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते कि कमला का बेटा बड़ा ही धोखेबाज है, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? ऐसी बातें सुनकर कमला जी अक्सर परेशान होकर अपना धीरज खो देती थी और फूट फूट कर रोने लगती थी। वो नहीं चाहती थी
कि उनके बेटे के बारे में कोई भी बुरा भला कहे। कोई भी व्यक्ति जब उनके बीच के बारे में पूछता तो वो हमेशा कहती कि अपने बेटे से उनकी रोज रात को बात होती है। एक दिन भी बात ना हो तो उनका बेटा परेशान हो जाता है। हालांकि यह बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि उनका बेटा उनसे रोज फोन पर बात करना तो दूर, उनसे कभी हालचाल पूछने के लिए भी फोन नहीं करता। ये तो कमला जी ही थी जो अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फोन लगा देती थी। परंतु 6 महीने से तो उनके बेटे ने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। वो अपनी ही दुनिया में खुश था, लेकिन कमला जी ने अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। आखिर माँ जो ठहरी। परंतु आज जब कमला जी के बेटे ने उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा तो ये सुनकर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो तुरंत जाकर गांव के सरपंच से मिलती हैं और उनसे सारी बात कह सुनाती हैं और कहती हैं, सरपंच जी, मेरा बेटा सुनील मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। उसे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं अपने इस घर को बेचना चाहती हूँ। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है तो कृपया मुझे बताएं। इस घर को उचित दामों पर बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। तभी सरपंच ने कहा, अरे कमला काकी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए, आप जब अपने बेटे के पास चली जाएंगी तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी अचार की फैक्ट्री से ही निकलता है। आप चली जाएंगी तो जितनी भी महिलाएं आपकी अचार की फैक्ट्री पर आश्रित हैं, उनका क्या होगा? अचार तो केवल आपके हाथों का बनाया हुआ ही लाजवाब होता है। आपके जाने से उस अचार की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। ये बात सुनकर कमला जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सरपंच से बात करके कमला जी जल्दी ही घर के पास में बनी अपनी अचार की फैक्ट्री में आ जाती हैं और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनाती हैं। और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली सबसे अनुभवी महिला कमला को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने हाथ का बना वो स्पेशल मसाला भी दे देती हैं, जिसे वे खुद बनाया करती थी, जिसे डालने से अचार का स्वाद इतना बढ़ जाता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और मसाला उन्हें देते हुए कहती हैं कि इस मसाले को सही मात्रा में डालना, मेरी गैरहाजिरी में ये काम रुकना नहीं चाहिए, समय समय पर आकर मैं काम देखती रहूंगी। सब समझाने के बाद कमला जी अपने बेटे के घर ले जाने के लिए कुछ मिठाइयां बनाने की तैयारी करने लगी। अपने बेटे की फेवरेट बर्फी और देसी घी की पिन्नी तैयार करके पैक कर लेती हैं और साथ ले जाने के लिए कुछ अचार भी उठा लेती हैं। उनके जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी है, परंतु दूसरी तरफ गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोच कर उनका मन भारी हो उठता है। अपने बेटे के पास शहर जाते समय कमला जी को सभी गांव वाली ट्रेन में छोड़ने के लिए आते हैं। ट्रेन की खिड़की से उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी और दिल्ली स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को फोन लगाया। जैसे ही सुनील ने फोन उठाया, कमला जी ने तुरंत कहा, बेटा सुनील, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं, परंतु तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत थक गई हूं। अपनी माँ की बात सुनकर सुनील ने कहा, माँ, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कुछ ही समय में पहुँचता हूँ। सुनील अपनी पत्नी शिखा के साथ उस समय एक पार्टी में था। जैसे ही आने लगा तो उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, मेरी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी से इतनी जल्दी हम वापस चले जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगी, माँ जी को थोड़ी देर में ले आना। उधर कमला जी इंतजार करते करते थक कर चूर हो गई, लेकिन सुनील का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाया, लेकिन सुनील ने फोन उठाकर कहा, माँ, मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप खुद ही ऑटो करके घर पहुँच जाइए।
ऐसा कहते हुए सुनील ने फोन काट दिया। बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर कमला जी के चेहरे पर थकान के साथ साथ निराशा के भाव भी आ गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वहीं की वहीं धरी रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचेंगी तो बच्चे मुझे लेने आ जाएंगे और दौड़कर मुझसे गले मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो अब मैं कहाँ भटकूं? कैसे उसके घर तक पहुँचूँ? ये सोचकर वह घबराने लगी और फिर हिम्मत करके तेजी से कदम बढ़ाकर ऑटो तक पहुँची। ऑटो वाले से दिए गए पते पर ले जाने को कहा तो ऑटो वाले ने कहा, माँ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। कमला जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने बेटे के घर की तरफ रवाना हो गई। करीब आधे घंटे के बाद वो सुनील के फ्लैट तक पहुँच गई। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। सुनील बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहता था और उस दिन लिफ्ट भी बंद पड़ी थी, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण अटक गई थी। कमला जी का सामान भी बहुत ज्यादा था जिसे लेकर चौथे फ्लोर तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वाले को उन पर दया आ गई और बोला, माँ जी लाइए आपका सामान मैं ऊपर तक चढ़ा देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने तुरंत सारा सामान चौथे फ्लोर तक पहुँचा दिया। कमला जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दी और डोर बेल बजाई। अब तक उनके बेटा बहू भी घर पर आ चुके थे। कमला जी के बेटे सुनील ने दरवाजा खोला तो इतने समय बाद अपने बेटे को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। इससे पहले कि वे कुछ बोलती, जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। कमला जी जोर जोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल आई। यह क्या सुनील, तुमने घर में कुत्ता पाला हुआ है? तभी पीछे से कमला जी का पोता अंकुर आया और बोला, दादी माँ एक कुत्ता नहीं, हमारे घर में दो दो कुत्ते हैं। कमला जी और भी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसी समय सुनील बोला, माँ घबराओ मत, ये दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा तुम्हें पता है मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। बहुत वर्षों पहले मुझे एक कुत्ते ने काटा था, तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। ना बाबा मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। इतनी बात सुनकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकली और कुत्तों को रस्सी से बांधते हुए बोली, माँ जी ये कुत्ते आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप बेझिझक अंदर आइए, थोड़े दिनों में ही आपके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगी। ऐसा कहते हुए वह कमला जी को अंदर लेकर आई और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। इतने वर्षों बाद अपने बेटे और बहू का चेहरा देखकर कमला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तो उनकी बलाएं ही लेती जा रही थी, लेकिन कमला जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी, उल्टा उसका तो मुंह बना हुआ था। लेकिन कमला जी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव बनाए रखे। लेकिन सुनील को अपनी माँ से कोई सरोकार नहीं था। कमला जी गांव से बनाकर लाई हुई सारी चीजें अपनी बहू को देने लगी और सब कुछ देने के बाद अचार का डिब्बा निकालकर मेज पर रख दिया। जैसे ही अचार का डिब्बा निकाला, सुनील ओखला उठा और झुंझलाते हुए बोला, आप यहाँ भी अचार ले आई? क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे अचार की खुशबू जरा भी पसंद नहीं है? मुझे अचार की महक तक नहीं चाहिए। अपने घर में ले जाइए और जाकर इसे बाहर फेंक दीजिए। सुनील के इतना कहने पर कमला जी ने तुरंत अचार के डिब्बे को वहाँ से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख दिया। अभी घर पहुँचे दो घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू शिखा उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई घर में ले आई और बोली, माँ जी ये हमारा रसोई घर है, सारा राशन रसोई घर में नीचे की अलमारियों में रखा है और कुत्तों के खाने पीने का सामान अलग से बने स्टोर में रखा हुआ है। ऐसा कहते हुए एक एक करके बारीकी से सारे सामान के बारे में बताने लगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। कमला जी यह सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही यह सारी बातें उन्हें क्यों समझा रही है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, ये सब बातें क्यों बता रही है, ये बात वो समझ नहीं पा रही थी।
इतने में उनका पोता अंकुर बोला, दादी क्या आपको मालूम है कि हम एक महीने की छुट्टियों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। हम वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। ये बात सुनकर कमला जी प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी। तभी उनका पोता अंकित फिर से बोला, अरे दादी आपको नहीं पता था क्या? तभी तो पापा मम्मी ने फोन करके आपको यहीं पर बुला लिया है ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और घर की देखभाल की जा सके। ये बात सुनकर कमला जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब तक तो वो यही सोच रही थी कि उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वो कुत्तों से बहुत दूर रहती थी और अब तो उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। ये बात सोचकर कमला जी ने कहा, बेटा तुम तो जानते हो कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेला इन कुत्तों के साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब काम। तभी सुनील ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कुत्ते बस दो चार दिन ही आपको परेशान करेंगे, उसके बाद तो इन दोनों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए सुनील अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी कमला जी ने तो ये सोचा था कि वो अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन यहाँ तो बेटे बहू ने उन्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। तभी उनकी बहू शिखा बोली, मां जी आप यहाँ अकेली नहीं रहेंगी, कामवाली बाई तो रोज आती है, वो आपकी हर काम में मदद कर देगी। खैर जब रात बीती और सुबह हो गई तो बेटा बहू अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियां मनाने के लिए सामान पैक करके निकल पड़े। अब घर में बची सिर्फ कमला जी, जो कि अकेले घर में रह गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो कामवाली बाई तो आ ही जाएगी, तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सोच ही रही थी कि अचानक फोन की बेल बजी। उनकी बहू शिखा ने फोन पर कहा, मां जी कामवाली बाई कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगी। अभी अभी उसका फोन आया था, उसका पति अचानक बीमार हो गया है और अस्पताल में भर्ती है, घर का सारा काम आप ही देख लेना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इतने बड़े घर में कमला जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गई। वे कुत्तों से बहुत डरती थी, परंतु फिर भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों कुत्ते अनजाना चेहरा देखकर बेकाबू होते जा रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। वे दोनों कमला जी को तंग कर रहे थे, पूरे घर में उधम मचाकर रखा हुआ था। जिस प्रकार से उनकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, वे उसी तरह से उन्हें खाना खिलाने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी और कुछ ही दिनों में वे दोनों उनकी सारी बात मानने लगे और उनके साथ घुल मिल गए। शाम के समय कमला जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर ले जाती थी। धीरे धीरे सोसाइटी के बहुत से लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो गई। वे कभी कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना हुआ अचार भी छोटे छोटे डिब्बों में डालकर दे देती थी। जब सोसाइटी के लोगों ने उनके अचार का स्वाद चखा तो सब लोगों ने उनके अचार की बहुत तारीफ की। यहाँ भी उनके अचार की मांग होने लगी, परंतु कमला जी अपने बेटे के डर से अचार नहीं बना सकती थी। एक दिन जब कमला जी अपने कुत्तों को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर आ रही थी और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर एक खूबसूरत सी पोटली पड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो सकती है जो किसी के हाथ से गलती से गिर गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पोटली को उठाया और जब घर जाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के जेवर थी। ये देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस पोटली को अपने पास ही रख लिया। अगले दिन सुबह उन्हें सोसाइटी में कुछ शोर गुल की आवाज आने लगी। शोर सुनकर कमला जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी और उसकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि उसकी कुछ ही दिनों में शादी है और उसने अपने सोने के गहने कहीं गुम कर दिए हैं।
ये सुनकर कमला जी उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे जेवर किस चीज में रखे थे। तो उसने बताया कि वह एक पोटली में रखे थे। ये सुनकर कमला जी तुरंत अपने फ्लैट में गई और थोड़ी ही देर में वह पोटली लेकर आ गई और उसे देते हुए बोली कि बेटा, ये पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर गिरी हुई मिली थी, तो मैंने इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि यह जिसकी अमानत है मैं उसके हाथों में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभाल कर रखना। कमला जी की इस सरलता और समझदारी पर सोसाइटी के सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब तो उन्हें यहाँ भी बहुत अच्छा मान सम्मान दिया जाने लगा। लोग उन्हें काकी कहकर बुलाने लगे, जैसे कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई। अपनी बेटी और बहू की तरफ से कमला जी उस मीटिंग को अटेंड करने चली गई। मीटिंग में सभी को ये जानकारी दी गई कि उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। बस फिर क्या था, समिति के बहुत से लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन कमला जी सारी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी रही। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सोसाइटी वालों ने कहा, अरे काकी, आप तो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 2 लाख के इनाम की राशि दी जाएगी। सोसाइटी के सभी लोगों के आग्रह किए जाने पर कमला जी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में एक से एक तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और कमला जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार बनाकर प्रस्तुत किए। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन कमला जी के अचार का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। फलस्वरूप कमला जी उस प्रतियोगिता को जीत गई। घर लौटते हुए कमला जी सोचने लगी कि आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है। आज ही उन्होंने प्रतियोगिता में 2 लाख जीते हैं और आज ही उनके बेटा बहू छुट्टियां मनाकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे ही बच्चे घर आएंगे, मैं उन्हें अपनी प्रतियोगिता जीतने के बारे में खबर करूंगी और उन्हें सरप्राइज दूंगी। परंतु जिस समय कमला जी घर पहुंचकर अंदर गई, उसके तुरंत बाद सुनील अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर पहुंच गया। जैसे ही उन लोगों ने घर में कदम रखा, तो घर की हालत देखकर दोनों बेटा बहू आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर उथल पुथल हुआ पड़ा था। उनके दोनों कुत्तों ने उनके घर के पर्दे फाड़ दिए थे और घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने घर की कुछ कीमती चीजों को भी तोड़ दिया था। ये सब देखकर शिखा अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, माँ जी, थोड़े दिनों के लिए भी आप घर नहीं संभाल पाई, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है आप? जरा देखिए तो, पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया है। तभी कमला जी बोली, बेटा, मैंने सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए पीछे से कुत्तों ने ये हाल कर दिया। देखो तो, मैंने प्रतियोगिता में अचार बनाकर 2 लाख का इनाम जीता है। तभी सुनील बोला, आपने यहाँ भी यह तमाशा करना शुरू कर दिया। गलती हमारी ही थी जो हमने घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए वे दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर कमला जी हैरान रह गई। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई। बेटे बहू की तीखी बातें उनके कानों में लगातार गूंजती जा रही थी। वे रात भर सो न सकी और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। तभी उनकी बहू ने देखा कि उनकी सासू माँ कमरे से गायब हैं। वे दोनों उन्हें खोजने लगे और सुनील ने जल्दी से अपनी माँ को फोन किया। माँ, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं? पता है, हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा, अपने घर जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, जहाँ मैं इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकूँ। मैंने तो तुम्हारे घर को अपना माना था, लेकिन तुम लोगों की नज़रों में मेरी हैसियत शायद केवल एक नौकरानी की थी, जिससे तुम काम भी करवाते थे और 4 बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे मिले थे,
वो तो मैंने तुम्हारे नाम पर पहले ही कर दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं। तुम उठा लेना। इतना कहते हुए कमला जी ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने पहले ही बेच दिया था, लेकिन अब वो अपनी अचार की फैक्ट्री में ही बने कमरे में रहने लगी और अपनी फैक्ट्री में व्यस्त हो गई। उन्होंने अपने अचार के काम को और आगे बढ़ाया। अचार की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें 30 साल हो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में कमला जी को उनके द्वारा की गई समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और खूब सम्मानित किया गया। अगले दिन अखबार में भी यह खबर छपी और यह बात कमला जी के बेटे तक भी पहुंच गई। उनके बेटा बहू अपनी माँ के पास गांव में पहुंचे। उनकी बहू शिखा ने उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी तो सुनील कहने लगा, माँ मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। ऐसा कहते हुए सुनील रोते हुए कमला जी के पैरों में पड़ गया। ये देखकर कमला जी की आंखें भर आई और बोली, बेटा तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तुम मेरे छोटे बच्चे ही रहोगी। ऐसा कहते हुए कमला जी ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। आज माँ और बेटे के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो गई थी। उनकी बातें सुनकर फैक्ट्री में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई। आज कमला जी का बेटा उन्हें वापस मिल चुका था। क्या खूब कहा गया है, माँ गम के बदले खुशियाँ ही देती है। जितना मर्जी सता लो पर हमारी आंख से आंसू आने पर वो भी रो देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।